जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेप टॉक्स। दिस इज आदि एचन। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना, जो हमको बताएंगे भाई जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस में क्या हो रहा है, क्या ये जो एक नैरेटिव चल रहा है कि भाई हम 370 वापस ले आएंगे, जम्मू कश्मीर को उन काले दिनों में वापस लेके जाने की बात चल रही है, क्या ये हो सकता है कि नहीं, जरा कर्नल साहब से समझते हैं। सर जी नमस्कार, थैंक यू सो मच। नमस्कार आदि, एवरीबॉडी। आज नई जगह लग रहे हो आप? हां, नई जगह से ट्रैवल कर रहा हूं मैं, तो मैंने अनाउंस तो कर रखा है सबको कि भाई मैं हूंगा नहीं, जरा ध्यान से इसलिए जहां पे हो इसलिए अननोन गनमैन का जो प्लॉट भी वहीं का है, इसलिए उसके कवर पे आपकी फोटो है। अब समझ आई लोगों को? ग्रेट, ले लोगे मेरी। सर सर ये बताओ, ये जो इतना नैरेटिव चल रहा है कि साहब हम तो 370 वापस ले आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पहले तो ये बताओ सर, सबके मन में एक डाउट है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? इन योर लैंग्वेज आदि, भैंस की आंख, नहीं हो सकता sir, सिर्फ इंडियन पार्लियामेंट कर सकती है जी, और पार्लियामेंट ने करना नहीं है। यहाँ इतना हो सकता है जरूर कि ये लोग देखें क्रिएट अ रक्कस है, क्योंकि जब आपने कहते हैं ना, हु आर द डॉग्स आउट, एक बार उनको आप इम्पावर करके स्टेट की मशीनरी पकड़ा दोगे तो ये यहाँ पे खलल डाल सकते हैं। वी हैव सीन, अब लेटेस्ट ट्रेंड क्या है कि इंडिया में सीएम जो है प्रोटेस्ट करते हैं। हाँ। केजरीवाल ने शुरू किया था, ममता बानों ने भी उसको फॉलो किया, तो ऐसे वाले ड्रामे यहाँ हो सकते हैं। कल को पता चला जाए फ्यूचर सीएम जे एंड के बैठा हुआ है प्रोटेस्ट करने, ये कुछ होगा, बेसिकली डिसरप्शन हो सकती है, अदरवाइज देयर इज नो वे। और आफ्टर सुप्रीम कोर्ट हैज एंडोर्स्ड इट, तो अब वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है, किसी स्टेट के पास नहीं है। हाँ, मुझे बताओ ये जो इतना नैरेटिव चल रहा है सर, ये जो इतना नैरेटिव चल रहा है सर, इसका क्या मतलब, क्या मतलब है, व्हाट इज द गेम, ये करना क्या चाहते हैं? बेवकूफ लोगों को, गलीबल इंडियंस को बेवकूफ बना रहे हैं और लोग बेवकूफ बन रहे हैं। पार्लियामेंट के पास इख्तियार है, ओनली अथॉरिटी इन इंडिया जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जिसके पास पावर है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, किसी स्टेट असेंबली की पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। 370 तो हटा तो है नहीं, डिल्यूट हुआ है, इट इज स्टिल देयर, इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 35A निकल गया है, उनको वापस लाने की हिम्मत या अथॉरिटी किसी के पास नहीं है। लेकिन आपने इस टाइम इलेक्शन करवा के, जब हम सबको पता है कि US इलेक्शंस, रेजिम चेंज, अनरेस्ट, स्ट्रीट प्रोटेस्ट, ये दीज आर बीइंग यूज्ड एज टूल्स, तो आपने एक और एक वनरेबिलिटी पैदा कर दी कि कल को पता चला इनका चीफ मिनिस्टर ही, जैसे हमारे ममता बानो बैठी प्रोटेस्ट पे, उस पर केजरीवाल बैठा है, चीफ मिनिस्टर बैठते हैं प्रोटेस्ट पे, तो ये भी बैठ गया कहीं 370 मांगने के लिए, मिलेगा नहीं लेकिन डिसरप्शन हो जाएगी। तो यही हो सकता है, अदरवाइज देयर इज नो वे दैट अ स्टेट गवर्नमेंट कैन और स्टेट असेंबली कहीं बैठ के फैसला करेगी हम 370 लगाएंगे, ऐसे नहीं होता। 370 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने J&K को दिया था, J&K वो जो पेड़ का जो रूट्स हैं और जो स्टेम है और जो ब्रांचेस है वो दिल्ली में है, इनके पास पत्ते हैं, आपके पत्ता लेके ये नहीं कह सकते कि मुझे पूरा पेड़ दे दो, इम्पॉसिबल। तो बेवकूफ बना रहे, बेवकूफ बना रहे सर। बट एक तो अब कश्मीर में जो एक एक पॉलिटी है सर, जो एक लोग हैं उनकी तरफ से, तो आपको ये चीज दिखती है कि भाई थोड़े से गलेबल से लोग हैं, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, हर जगह का अपना एक नेचर होता है, मान जाते हैं इन बातों को। आपको क्या लगता है सर, ऑन ग्राउंड, जम्मू को थोड़ा सा साइड में करते हैं, कश्मीर में लोग इस चीज को मानते हैं कि, क्योंकि जो पिछला लोकसभा में इलेक्शन हुआ था जिसके अंदर ये राशिद इंजीनियर आया था, तो आपको व्हाट डू यू थिंक इज द अभी ग्राउंड परसेप्शन क्या है सर? J&K में जितने लोग से गलीबल हैं, आपने एक हमारे बड़े फेमस एक्स चीफ मिनिस्टर को टोपी उतार के भीख मांगते हुए देखा वोट के लिए, वीडियो देखा होगा ना, आज तक ऐसे हुआ नहीं। उसके पूर्वज उस मामले में ज्यादा ग्रेसफुल थे, वो ये कुछ नहीं करते, ड्रामा करते थे बहुत ज्यादा, ड्रामा तो उनके रग में है, इनके खून में है, लेकिन इतना ज्यादा ड्रामा किसी ने आज तक किया नहीं। तो ये ड्रामा देख के जो राइट, कुछ लोग फ्लो में बहेंगे, और देखो हर पार्टी का कोर वोटर होता है, वो कोर वोटर जो है उसको उसमें भला चंगा कुछ नजर नहीं, बुरा नहीं नजर आता उसको, बस वो पार्टी में वोट देना होता है। लेकिन जो नई जनरेशन है, वो जनरेशन जिसने ट्रांजिट देखा है, सी एक तो जनरेशन इंडिया में क्या प्रॉब्लम हुई है, जैसे यूपी में क्या हो रहा है कि आपके पिछले 10-12 साल से पीस चल रहा है, तो जो बंदा भी 20 साल की एज में है, पहले 5-6 साल उसको होश नहीं था दुनिया कहाँ जा रही है, जब उसने होश संभाला तो उसने सेफ्टी देखी रोड पे, अब वो सेफ्टी को ग्रांटेड लेता है। तो यहाँ भी ऐसी पॉपुलेशन है, लेकिन ऐसे भी हैं जिन्होंने दोनों देखे हैं, वो गंदा टाइम भी देखा है जब डंडे भी चलते थे, पत्थरबाजी होती, पैलेट गन चल रही है, फायरिंग हो रही है, आज स्कूल बंद, आज कॉलेज बंद, ये वो हड़ताल,
और उन्होंने बी वाला भी काम देगा। बिजनेसमैन है जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ पूरी टर्न करते हुए देखी दोबारा, जिनका बिजनेस रिकवर हुआ है, शिकारा वाले हैं, हाउस बोट वाले हैं। तो मैं बताऊं कश्मीरी वाइल्ड गलीबल हैं, लेकिन कश्मीरी जैसे मैं हमेशा कहता हूं हमारी चार कॉर्नर्स जो है ना कंट्री के, उसमें चार मोस्ट इंटेलिजेंट कौमें रहती हैं, उधर कश्मीर, नीचे केरला, इधर गुजराती, और मैं मेन लैंड की बात कर रहा हूँ बंगाली, उसके आगे तो बेचारे वो पहाड़ी हमारी तरह सीधे साधे ही हैं। तो ये समझते हैं, ग्राउंड में ये है कि काफी लोग ये कह रहे हैं कि जो कश्मीर का बुरा हाल हुआ उसमें यही पार्टी जो आज कभी टोपी उतार के और कोई किसी का बेटा किसी की बेटी वोट मांगने बाहर निकले हुए हैं, इन्हीं की देन थी, क्योंकि ये हिस्टोरिक फैक्ट है, इसमें आप छुपा नहीं सकते। शेख अब्दुल्ला ने प्लेबिसाइड फ्रंट बनाया, फिर शेख अब्दुल्ला जी चीफ मिनिस्टर बने थे उसने उसको रिजॉल्व किया, उसी से बनी JKLF, उसी ने बंदे कभी हमारा हाई कमिश्नर मार दिया इंग्लैंड में, मकबूल भट्ट को फांसी लग गई वहां, और फिर फारुक अब्दुल्ला साहब के फोटोज आज भी नेट पे घूम रहे हैं जहां वो मुजफ्फराबाद में जाके JKLF वालों को मोटिवेट कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की एटीट्यूड टुवर्ड्स टेररिस्ट गेटिंग किल्ड, उनके घर में जाना, अफसोस जाहिर करना, अब उनकी पार्टी वालों को ये कहना कि हम पावर में आते ही हम रिहा कर देंगे जिन लोगों को गलत रखा गया है। अब हर बंदा ही गलत और सही, आप किसी भी इंसान को वही फ्रीडम फाइटर टेररिस्ट की कैटेगरी में डालो, एक चीज वो फेयर है, वो अनफेयर, जो अनफेयर है वो फेयर दिखने लगती है, इस मैटर ऑफ अ फ्लिक। तो ऐसे वाले लोग जब आएंगे तो फिर गदर मचेगा, इसलिए काफी पॉपुलेशन कश्मीर में ऐसी है जो समझती है। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें कश्मीर सेंटर सिटीज छोड़ देनी चाहिए, बट जैसे आपका क्वेश्चन था कि कश्मीर में अगर हम देखते हैं तो अगर टेररिज्म वहां वापस आता है तो कश्मीर सबसे ज्यादा हिट होगा सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा एंजॉय कर लिया, डेवलपमेंट भी देख ली, पीस भी देखा, फिल्में भी बन रही हैं, मॉल्स भी खुल रहे हैं, जो उसमें से कुछ भी जम्मू की तरफ हुआ नहीं, वैसे हमारे तरफ से टेररिस्ट फैला बड़ा है, उधर कम हुआ है, तो उनको ये कॉन्शियसनेस है। बट एट द सेम टाइम जैसे इंजीनियर रशीद टाइप जो लोग हैं उनको ये सेपरेटिस्ट होने के बावजूद भी जो लोकल्स है ना वो उसको सेपरेटिस्ट नहीं मानते, क्योंकि अनलाइक दीज बिग पीपल जो दिल्ली में कुछ और लैंग्वेज, श्रीनगर में कुछ और लैंग्वेज, जम्मू में कुछ और लैंग्वेज बोलते थे, इंजीनियर रशीद की लैंग्वेज एक ही है, वो उसको कीड़ा काटा हुआ है, उसमें कंसिस्टेंसी है, तो एक डेविल को उसका ड्यू देते हैं। प्लस उसने ग्राउंड पे काम बड़ा किया था जब MLA था, अप्रोचेबल था, कोई उनके आगे पीछे सिक्योरिटी रिंग इतना हैवी नहीं था, उसको हालांकि मार भी पड़ी थी जेके असेंबली में, बेवकूफ भी है वो, तो उसका एक पर्सनल रीजन जो लोग कहते हैं ना कि आप लोकल एरिया, क्योंकि लोकल असेंबली इलेक्शंस में लोकल इश्यूज होते हैं, जिसने आपके लिए सड़क बनाई, जिसने आपके लिए पानी ला के दिया, जिसने आपके लिए हॉस्पिटल खोला, वो आपको हमेशा प्रायोरिटी लेगा, है ना, उसको आप बुरा मतलब नहीं कह सकते। उसने उमर अब्दुल्ला को हराया पार्लियामेंट इलेक्शन में, तो ये तभी तो टोपी उतार के घूम रहे हैं भाई साहब, क्योंकि हमें बाहर बैठ के शायद समझना है जो कश्मीर के अंदर पॉलिटिशियन को ये पता है कि अभी सोसाइटी वो पहले वाली बिल्कुल एक तरफ ही नहीं है कि हमने सब ने जाके डायनास के साथ जुट जाना है, तो उनकी कुर्सियां हिल रही हैं। अब रिजल्ट क्या होगा, अब जब होगा तो भी पता चलेगा, जनरल परसेप्शन तो यही है। बट सर जनरल परसेप्शन के हिसाब से अभी एक एक जो नैरेटिव दूसरी तरफ का बनता है कि भाई ये जो इलेक्शन चल रहे हैं इसका कोई और अच्छा टाइम तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज अच्छा टाइम कभी निकलेगा ही नहीं, आप इस चीज को किस तरह देखते हैं सर? देखो जिस जनरल साहब ने बोला, मैं मेरे बहुत रिस्पेक्टेड उनको, मैं बहुत अच्छा, मेरे बहुत रिगार्ड्स हैं उनके लिए, उन्होंने बिल्कुल सिक्योरिटी एंगल के हिसाब से बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया। अगर आपने से सिक्योरिटी ही एक इशू है तो इससे अच्छा टाइम कोई नहीं है, पर ये वही बात होगी ना कि राहुल गांधी कहता है कि हर चीज की प्रॉब्लम ही कास्ट सेंसस है, देश में प्रोग्रेस नहीं हो रही कास्ट सेंसस करा लो, आपको नौकरी नहीं मिल रही कास्ट सेंसस करा लो, तो इसी तरीके से JNK की प्रॉब्लम सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्शंस यहाँ की दुआई नहीं है, आप इलेक्शन करा सकते हो। जनरल साहब ने बिल्कुल सही बोला कि परफेक्ट सिचुएशन कभी मिलेगी नहीं और अभी बहुत पीसफुल है, प्रॉब्ली बेस्ट टाइम है, मैं तो उस पर कमेंट ही नहीं कर रहा, करना भी नहीं चाहिए, बट क्या दैट इज द एंड ऑफ द गेम कि आपने इलेक्शन करवा लिए उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद जो गदर मचेगा वो गदर हमें भी नजर आता है, बिकॉज सेम पीपल विल हैव पावर्स जिन्होंने टेररिज्म को अशर इन किया, बढ़ावा दिया, इन्हीं लोगों ने कहा अमरनाथ के मूवमेंट के टाइम पे एक इंच हम जमीन नहीं देंगे, ये सारे सेपरेटिस्ट हैं, सब नेशनलिज्म का कीड़ा इनको काटा हुआ है, इसलिए काटा हुआ है कि एक बिजनेस है जिस बिजनेस के थ्रू ने बच्चों को गन पकड़ा के मरवाया, अपने बच्चे फॉरन में पढ़वाए, और इनके जो फादर साहब थे जैसे ही कांड हुआ था 88-89 में सबसे पहले घर बंद करके लंदन चले गए थे फैमिली को लेके, और इनके दादाश्री जो थे वो 25 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह पे
इल्जाम लगाते हैं कि महाराजा हरि सिंह ने 25 अक्टूबर की रात को श्रीनगर छोड़ा, लोगों को छोड़ दिया, वेयर इज महाराजा लेफ्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन बिहाइंड, प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्रीनगर में था 25 अक्टूबर की रात को जब मैनन ने उनको भेजा था 47 में, उसी दिन सुबह उससे 12 घंटे पहले इनके फादर साहब अपनी फैमिली लेके जे एंड के से निकल गए थे, फिर वापस आए थे बाद में। तो ये दोगले लोग हैं, दो दो मुंह से जुबाने से बात करते हैं। अब ये भी प्रॉब्लम है आदि के लोग भूल जाते हैं क्या हुआ पास्ट में, कई लोगों को पता ही नहीं है, कईयों को पता है तो कहते हैं बड़ी पुरानी बात है। मेरा कंसर्न ये है कि आपने पावर उनको देनी है जिनके, और मेरे को क्यों बुरा लगता है कि मैं क्यों कहता हूँ इलेक्शंस नहीं होने चाहिए थे, आपके पास टाइम था, आप काफी कुछ कर सकते थे। सी आपको भाई बंदी के अलावा भी साम धाम दंड दंड सब, अब दंड तो छोड़ दिया साइड पे है ना, हमारे यहाँ पे कुछ तो लगाओ। हमारे भाई साहब यहाँ एक एक्स चीफ मिनिस्टर है जिनके ऊपर BCIC का 50 लाख रुपए का गबन का केस है, ठंडे बस्ते में डाला हुआ है, कर सकते थे ना सीधा। आप जम्मू एंड कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटीज में आप इनको माइनॉरिटी सेट नहीं दे सकते थे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। आप इलेक्शन कराने से पहले आप बड़ा कुछ कर सकते थे। यहाँ कोई लीडर नहीं है जिसके ऊपर एंटी नेशनल होने का, मनी लॉन्ड्रिंग का, हवाला का, किसी ना किसी तरह का केस है। और आप सब एक्नॉलेज करते हो कि इन्हीं लोगों ने यहाँ पे टेररिज्म लाया, तो आप भाई उनको सॉर्ट आउट करने के पहले, उनको कन्विक्ट किए बिना आप क्यों पावर उनको वापस देना चाहते हो? जो बेचारे यंग बच्चे उठ रहे थे जम्मू कश्मीर में, जो ग्रास रूट से उठ के आ रहे थे, पंचायत इलेक्शन लड़के BDC DDC बन के आ रहे थे, जिनको हम देख रहे थे अगले 4-5 साल में दे हैव ए फ्यूचर, अब वो सारी जो यंग लीडरशिप उठ रही है जो कि मेरी जनरेशन से मच बेटर है, ये भी मैं बता दूं, शायद वो इतने करप्ट नहीं है जितने हमारी जनरेशन वाले थे। अब उनको बस ऑप्शन क्या है, उनको वो बड़े से छतरी के नीचे अपना अपने को राइज करना पड़ेगा। पहले वो इंडिपेंडेंट दिख रहे थे उठते हुए, खिलते हुए फूल थे, अभी वो फिर वही पुराना बरगद का पेड़ और उसके नीचे फिर क्या उगता है आपको पता ही है। अभी उनको पैटर्न के साथ उगना पड़ेगा। बट सर लॉजिक क्या हो सकता है आपके हिसाब से, बिफोर वी गेट इनटू, मेरे को आपसे जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है विच विद रिगार्ड्स टू फ्यूचर, क्या कर सकते हैं इस जगह में, व्हाट डू यू थिंक कैन बी द लॉजिक ऑफ गोइंग फॉरवर्ड। डेविल्स एडवोकेट करके बात करते हैं, लेट्स ट्राई एंड लुक एट इट फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पर्सपेक्टिव आल्सो। कुछ तो सोचा होगा इन लोगों ने, क्या सोचा होगा आपके हिसाब से सर? गवर्नमेंट को जो उनके जो वोकल जो उनके एजेंसीज वो क्या कहती हैं जी, इनको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दलित एक्ट जो है वो बहुत हार्श है, इसको डिल्यूट कर दो, कि किसी दलित ने आके पुलिस स्टेशन में बोल दिया कि मेरे को आदि ने बोला तो ये दलित, तो पकड़ के अंदर डाल देंगे, इसी गवर्नमेंट को कहा था। और इसी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में जाके सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बदल के सेम शाहबानो टाइप केस इन्होंने किया था। तो जो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को उल्टा कर सकती है, क्या वो एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा नहीं सकती थी कि प्लीज हैव ए रीलुक, गिव अस सम मोर टाइम। दूसरा, आपने जो नहीं बोलते हैं, जो कहते हैं कि वो है कि प्रेशर, इनको लगता है कि इनकी दाल रोटी जो है वो अमेरिका से आ रही है, जो कि बहुत बड़ा डेमोक्रेसी का एडवोकेट है, जिसके सारी दुनिया के डिक्टेटर इसी अमेरिका ने पैदा किए। हम अपनी प्रेस्टीज और अपनी अप्रूवल और रिकग्निशन हम इन लोगों के हवाले क्यों करें? आज अगर इंडिया को किसी की रिकग्निशन चाहिए तो जब तक प्यूटिन हमारे साथ खड़ा है, सीधा जो है वो सामने है, ही इज नॉट अ पर्सन हु टॉक्स डेमोक्रेसी एंड गिव्स राइज टू डिक्टेटर्स, ही इज अ सेमी डिक्टेटर, तो ही डील्स विद डिक्टेटर्स। तो हमें क्या जरूरत पड़ी है? हम आज से 25-30 साल वाले पहला भारत थोड़ी है कि हमें सेंक्शन का डर है, आज हम पे सेंक्शन लगाएगी जो दुनिया वो खुद मरेगी, अगर आज हमारी मार्केट बंद होगी हम तो सर्वाइव कर जाएंगे, इनकी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी। तो हम कहीं ना कहीं आदि हमारे वो माइंडसेट अभी भी है कि हमें देखो, इसी से रिलेटेड ये है कि अगर आप बिल्कुल ही न्याय देना चाहते थे, लोगों की आवाज सुनना चाहते थे, जम्मू डिजर्व्स टू बी सेपरेट स्टेट, एंड मैं कहता हूं कि जम्मू को आप यूटी बना के रखो, लेट द लीडरशिप इमर्ज, यहाँ भी बहुत घटिया किस्म की लीडरशिप है ही नहीं एक्चुअली, तो आप 5-10 साल यूटी बना के रखो, अलग कर दो, दोनों को यूटी बनाओ। अब क्यों नहीं बना सकते? जो किसी टाइम पे मैं भी बोलता था कि बाहर से बैठ के देखो तो लगता है जी जम्मू एंड कश्मीर में दिल्ली से रूल हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूटी मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट रूल। सो ये नहीं, वो सिग्नल नहीं देना चाहते बाहर कि भाई कश्मीरियों, कश्मीर को रूल किया जाए फॉर बाहर बैठ के, तो आप यूटी बनाइए, जम्मू यूटी कश्मीर यूटी दोनों में छोटी छोटी असेंबली दीजिए, तो आपकी गवर्नेंस भी होगी। हमारी गवर्नमेंट ये भी काउंटर नहीं कर पाई जब पाकिस्तान ये बोल रहा था कि देखो सेंटर दिल्ली का राज है, कि भैया हमने यहाँ पे पंचायत इलेक्शन कराए, हमने BDC, यहाँ पार्लियामेंट इलेक्शन, सिर्फ असेंबली इलेक्शन नहीं हुए ना 5 में से, बाकी 4 इलेक्शन तो हो रहे हैं, हो गए, तो डेमोक्रेसी नहीं है, लोकसभा भी, वो भी बिल्कुल। तो आज से 15-20 साल पहले मान सकता हूँ कि हम देखते थे कि बाहर वाला क्या सोच रहा है,
हमारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। जैसे लोग कहते हैं कि देखो जी ये जो नेहरू जी चले गए थे यूएन में ये सोच के कि दूसरे चैप्टर के नीचे ना कहीं उन पे वॉर को रोकने का इंडिया को ऑर्डर मिल जाए चैप्टर 6 और 7, इसलिए सॉफ्टवेयर वाला नॉन इन्फोर्सेबल चैप्टर के अंडर नेहरू ने अपील की थी। तो अब लॉजिक तो आप किसी भी चीज में ढूंढ लो। आप मुझे बताइए कि आपने, जैसे मैंने कहा माइनॉरिटीज को स्टेटस आप दे सकते थे, आपने, आपकी गवर्नमेंट ने रोशनी एक्ट के जो हाई कोर्ट का जो रूलिंग है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखी है, आप उसको विड्रॉ कर सकते थे। तो कुछ दिखाते कि आप सिंसियरली जो लोगों ने यहाँ पर करप्शन फैलाई थी, जिन लोगों ने यहाँ धांधलियां की थी, उनको आप सॉर्ट आउट करने के मूड में हो, उसके बाद आप इलेक्शन कराइए तो बात बनती। वो तो हुआ नहीं। तो सर, ये जम्मू के बारे में जो हम लोग बात करते हैं, आपने और हमने काफी ऑफलाइन भी इसके बारे में बात करी है, जम्मू का जो एक नजरिया है, एंड वी हैव सीन वहां पर इस तरफ इस टाइम पे टेररिज्म भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, काफी कुछ हो रहा है। कश्मीर में करने की इनकी हालत नहीं है क्योंकि कश्मीर में ग्रिड काफी सॉलिड है। आपको जम्मू का जो एक फोकस एरिया, आप बोलते हैं वहां पर पॉलिटिशियन लीडरशिप भी ठीक नहीं है, द लोकल्स आर ऑल्सो नाउ वहां पर, ये जो घुसाए थे वहां पर मुफ्ती के टाइम पे काफी सारे बंदे घुसाए थे, उसकी भी इश्यूज हैं। तो हाउ डू यू थिंक दिस सिचुएशन इज गोइंग टू गो फॉरवर्ड सर? एंड आपकी तरफ से जो एक इलाज है कि भाई जम्मू को स्टेटहुड मिलना चाहिए या जम्मू को और कश्मीर को सेपरेट करना चाहिए, दैट इज व्हाट यू आर एडवोकेटिंग फॉर सर? या सी यूटी वाले, यूटी या सेंट्रल रूल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोकल लोगों को सुनने वाला कोई नहीं होता, ब्यूरोक्रेट्स सुनते नहीं है, एंड ब्यूरोक्रेट्स मोस्ट ऑफ देम जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं दे आर फ्रॉम आउटसाइड, लोकल भी होंगे तो और बुरा हाल है, लोकल है तो फिर भाई बंदी भी आ जाते हैं, बाहर वाले उनको ग्राउंड की समस्याएं नहीं पता। नेचुरली समबडी फ्रॉम यूपी और एमपी इज सर्विंग हियर, ही विल हैव हिज बेस्ट विशेस, बेस्ट इंटेंशन के होने के बावजूद भी एक हैंडीकैप होता है। तो आपके पास एक आवाज के लिए आपको पॉलिटिकल लीडरशिप को फॉर्मलाइज पावर देनी पड़ेगी। सो पंचायत के थ्रू पहले पावर दी गई, देखो अब डीडीसी चेयरमैन जो होता है वो डीसी के साथ बैठता है, तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक है। बट चलो मैं कहता हूँ यू क्रिएट यूटीज एंड क्रिएट असेंबलीज, इनको सेपरेट करो, दोनों को सेपरेट करो, और फिर उसके बाद जो भी एलजी के उसमें रख के अंडर उनको लेट, एलजी मस्ट नर्चर द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ बोथ द प्लेसेस, अपने अपने एलजी, जैसे लद्दाख में हुआ है, और फिर जब एक टाइम आएगा आप उनको यूटी विद प्रॉपर थोड़ी और पावर बढ़ा के उनको असेंबली के साथ दे दो। दिस इज वट आई लुक एट। अभी आपने किया क्या, देखिए ना, लाइक आप कह रहे थे यहाँ पे जो रोंगिया आके सेटल हुए, उन अब जम्मू वालों को क्यों बुरा लगता है, मैं जम्मू वाला हूँ ना, आपने जम्मू के लिए क्या किया, वो छोड़ो डेवलपमेंट वगैरह, वो सड़कें वड़के तो चलो जो है, रोंगिया जम्मू सिटी में यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी ने ट्रेन हायर करके कलकत्ता से ट्रेन भर भर के लाए, ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाउ यू फाइंड देम इन ऑल एरियाज ऑफ जम्मू प्रोविंस, एंड सो मस्ट बी द केस इन कश्मीर। आपने रोशनी एक्ट पे हाई कोर्ट ने जजमेंट दी कि इनको दफा करो, निकालो यहाँ से, जिसके सारे बेनिफिशरी सारे पॉलिटिशियंस हैं, मोस्ट ऑफ देम, एंड सबसे ज्यादा बेनिफिशरीज जो हैं वो कश्मीर में हैं, बिकॉज करोड़ों की चीजें हजारों में उनको दी गई लैंड। आपने, आप उठ के उसकी अपील में चले गए सुप्रीम कोर्ट में। तो आपने जो चीज, माइनॉरिटीज स्टेटस, जे एंड के इज अ हिंदू माइनॉरिटी स्टेट, यहाँ आप माइनॉरिटीज की जब बोलते हो कि हम सेकुलर हैं, सबका साथ सबका विकास, तो भैया जिस स्टेट में जो माइनॉरिटी है इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग बड़ी क्लियर है, आप इनको हमें स्टेटस दो ना, ट्रीटस इज जो बेनिफिट्स माइनॉरिटीज को बाकी स्टेट्स में अवेलेबल हैं वो यहाँ हिंदूज क्रिश्चियंस और सिख्स को मिलने चाहिए, नहीं मिल रहे, बिकॉज यहाँ जो मेजोरिटी में वही अपने आप को माइनॉरिटी बोलता है। तो आपने ये जो स्ट्रक्चरल इशू जिसके लिए आपके पास 5-10 साल थे ठीक करने के लिए, आपने नहीं किए। जब आपने नहीं किए तो फिर जब आप इलेक्शन करवा के सारे पापों का एक बार हाथ धोना चाहते हो कि बस अब ठीक हो गया, आप इलेक्शन करा दो, इलेक्शन हर चीज की, मैंने जैसे कहा हर चीज की दुआई नहीं है, ना राहुल गांधी का कास्ट सेंसस हर चीज की दुआई है, ना जे एंड के में इलेक्शन हर चीज की दुआई है, हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने थे। यहाँ काफी सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको चेंज करना चाहिए था, बिकॉज दे वर द गाइज हु हैड बीन वेरी क्लोज टू द प्रीवियस पॉलिटिशियंस व्हेन दे वर चीफ मिनिस्टर्स, उनको आपने कुछ नहीं किया, अभी वो काफी सीनियर लेवल पे, तो अभी फाइनली एक बनी बनाई एक तैयार मिल रहा है कैरी, जिसके अंदर वही पुराने लोग, वही पुराने ब्यूरोक्रेट्स, वही पुराने बीज और वही पुराने माली, तो आपको दोबारा फिर क्या मिलेगा बताओ? अगर अगर दोबारा वो गदर नहीं मचा तो आई होप ना मचे, मैं तो माफी मांगने के लिए तैयार हूँ आज 2 साल के बाद, लोग हाथ जोड़ के आपके, मैंने गलत बोला था, मैं चाहता हूँ मैं माफी मांगने, मेरी माफी मांगी जाए मेरे से, ताकि
जो बोल रहा हूँ ये ऐसा ना हो, लेकिन लॉजिक और जो हमारा एक्सपीरियंस बताता है कि ऐसा होगा नहीं। हम जो मर्जी सोचें, विचारें, विशेष करें, प्रेयर करें, यहाँ जो गेंस सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी जान दे के दी हैं, वो गेंस हम वी आर गोइंग टू लूज अगेन। दैट इज द रीजन आई एम सेइंग दिस इज अ रॉन्ग डिसीजन। अगर आपके पास टाइम नहीं था, आप कम टाइम थोड़ी है, काफी देर से गवर्नर रूल लगा ना, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, देयर इज बीन नो इलेक्शन, तो आप स्ट्रक्चरल चेंजेस करो ना, दैट इज द ओनली थिंग। तो सर आपकी तरफ से जो रिकमेंडेशन रहेगा टू गो फॉरवर्ड इन दिस, समथिंग दैट आई थिंक ऑफिशियली फ्रॉम दिस चैनल आई वुड लाइक टू से कि हमारा, मेरा तो पूरा सपोर्ट है इसके लिए कि भाई जेएनके को सेपरेट, जेएनके को थोड़ा सा बीच में से काटना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक आउट कश्मीर एज अ यूटी, जेएनके, जम्मू को आपको स्टेटहुड देना है या यूटी बनाना है, जो भी करना है वो करो, एंड ऑफ कोर्स लद्दाख, एंड ये उस सेफ्टी के स्ट्रक्चर में भी आएगा, क्योंकि हमारे बॉर्डर एरियाज के अंदर, जैसे आपने इनिशियली बोला था कि भाई हमारे जो 4-5 बॉर्डर स्टेट्स हैं जिसमें काफी बावले लोग रहते हैं, तो बॉर्डर्स के अंदर एक यूटी बनाने का सेंट्रली रूल्ड, सेंट्रली गवर्न्ड एंड सेंट्रली सिक्योर एक जो एक रीजन होना चाहिए, विच इज यू नो हमारे जो टेढ़े मेढ़े बॉर्डर्स हैं, दैट समथिंग दैट आई एब्सोल्युटली एग्री विद सर। तो आपका इसके लिए सर क्या एक्शन प्लान, हाउ डू यू काइंड ऑफ प्रपोज दिस थिंग शुड गो फॉरवर्ड? देखिए कॉमन सेंस की बात आती है कि आपके पास एक स्टेट है जेएंडके जिसमें 3 बड़े प्रोविंसेस थे पहले, लद्दाख ऑलमोस्ट 70%, देन जम्मू एंड अबाउट 15-18% ऑफ कश्मीर। आपने लद्दाख को काट के अलग किया, जिनको दे आर सफर लाइक, वो तो विक्टिमाइज्ड एंड टोटली, बहुत विक्टिम किया बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिवली वो 2 ही प्रोविंस माने जाते थे, एडमिनिस्ट्रेटिवली कश्मीर और जम्मू था, वो जो कश्मीर के नीचे आते थे, उनको किसी ने कुछ नहीं दिया, इसके बारे में बात कर चुके हैं, कॉलेजेस नहीं थे, जो भी था वो सुधर गया। अभी जो इफ आई यूज दिस वर्ड कि जो कैंसर दिख रहा है आपको, वो आपको जो उग्रवाद का जो सोच और जो रेडिकलाइजेशन हुई है, वो सबसे ज्यादा इस टाइम वैली में हुई है। अब उसको आप अलग नहीं करोगे तो क्या हो रहा कि वही जो बीमारी है वो हमारे पीर मजाल के उठ के इस तरफ आ गई। बाय द वे जम्मू प्रोविंस भी हिंदू माइनॉरिटी प्रोविंस है, लोगों को ये भी गलत फहमी है कि जम्मू जो है वो हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस है, कश्मीर में नो, जम्मू कश्मीर एज सच एंड जम्मू प्रोविंस ऑल्सो इज अ माइनॉरिटी, हिंदू माइनॉरिटी प्रोविंस। तो यहाँ के जो हमारे मुस्लिम भाई थे जिनके साथ हम इतने जिंदगी काटी है, आराम से रहे हैं, उनको भी ये थोड़ा सा, देन वी सॉ दैट इफेक्ट कमिंग इन। तो आपको आइसोलेशन जरूरी है। जब दोनों स्टेट्स अपनी अपनी यूटी जाल दो टुकड़े बन जाएंगे, तो जो लोकल लीडरशिप है आज की, अभी क्या होगा, चलो कल इलेक्शन आएगी, 10% चीफ मिनिस्टर कश्मीर का ही आएगा, वो आता ही कश्मीर से, आप जो भी कर लो, क्योंकि यहाँ भी हमारे 2 बड़े पार्टी जो मिल गई हैं आपस में, तो जम्मू की भी जो सीटें सूटें मिला के उन्होंने 3 सीट का फर्क है, उन्होंने वहां से ले जाना है। तो आई वुड से स्टेटहुड की प्रॉमिस अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में की थी जब ये 370 को डेल्यूट किया था कि हम इनको स्टेटहुड देंगे, वो दैट्स अ कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट। उसी कमिटमेंट को बहाल करते हुए आप हमें स्टेटहुड दीजिए, दोनों को दीजिए, दोनों को यूटी बनाइए, जो भी करना है, पर जम्मू डिजर्व्स टू बी स्टेट, इट इज बिगर देन, जम्मू प्रोविंस इज बिगर देन मेनी स्टेट्स इन द कंट्री। और जब इन तीनों प्रोविंसेस का आपस में कुछ भी कॉमन नहीं था, ना लैंग्वेज, ना कल्चर, कुछ भी नहीं, तो जबरदस्ती बांध रखा है, इसलिए बांध रखा है कि कश्मीर को कोई ये ना कह दे कि अलग कर दिया तो हम जम्मू वाले साथ में भुगतते रहे, मतलब ये तो कोई लॉजिक नहीं बना ना। इनफैक्ट अगर लैंग्वेज और कल्चर के हिसाब से देखो, जम्मू इज क्लोजर, वी आर क्लोजेस्ट टू हिमाचल, हमें तो उनके साथ जोड़ दो यार, नहीं तो वी आर स्टिल क्लोजर टू पंजाब, हमारा जो पुंछ पुंजौरी का इलाका है, लिंग्विस्टिकली एंड कल्चरली वी आर वेरी क्लोज टू पंजाब। आपको, आपने हमें खूंटे से बांध दिया कश्मीर के साथ, चीफ मिनिस्टर बना दिए वहां की, पावर सेंटर बना दिए वहां पे, आपकी फोकस उधर है 24 घंटे, आप मेजोरिटी को माइनॉरिटी बना के घूम रहे हो, आप रोशनी एक्ट को ठीक नहीं कर रहे, आप पॉलिटिशियंस जो कि करप्ट थे, जिनके खिलाफ आके बस एविडेंस है, उनके खिलाफ कुछ नहीं किया गया, वो पॉलिटिशियन जो कहते हैं तिरंगे को हम झंडा कोई कंधा नहीं देगा, वो पॉलिटिशियन जो कहते हैं अमरनाथ को 1 इंच जगह नहीं देगी, उनको आप पावर दे के इम्पावर करके ये एक्सपेक्ट करो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे और जय भारत बोलेंगे, वो दिल्ली में आके जय भारत बोलेंगे, कश्मीर में नहीं बोलेंगे। टिपिकल ऑपोर्चुनिज्म, हाँ, वो गुपकार गैंग बोल गए आप। तो मेरे को तो अभी तो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है आदि, कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, इलेक्शन तो होगा सर, बट मैं इस तरफ देख रहा हूँ कि अगर हम लोग इस तरह एक तरह से एक नैरेटिव और एक आवाज बढ़ा सकते हैं कि भाई ये जो चीज हो रही है आप करो, ठीक है, आपने इलेक्शन करना है, आपने करना है, ठीक है, गो अहेड, बट जो स्टेटहुड की बात आप कर रहे हैं,
आई थिंक द फ्यूचर जो फाइनल सोल्यूशन है इस चीज का, इस प्रॉब्लम का, विच इज ग्रांटिंग इट द स्टेटहुड, उसका तो अभी तो कुछ कुछ डिसीजन हुआ नहीं है, और अगर हुआ भी है तो पब्लिक डोमेन में नहीं है. तो मेरा जो बात करने का एक नजरिया है कि उस चीज को अगर हम कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकें और जो हमारी बात है वो आगे डाल सकें, माइट जस्ट बी दैट इट कैन गेट यू नो करेक्टेड. सर आदि, जिस दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा उस दिन हमारा चैप्टर, सब चैप्टर बंद हो गया. आज के बाद, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, अगर जे एंड के की बाइफ्रिकेशन होनी है तो ये जे एंड के असेंबली से डिमांड जानी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जे एंड के असेंबली से डिमांड नहीं जाएगी. इसलिए नहीं जाएगी कि यहाँ की गवर्नमेंट होगी कश्मीर सेंट्रिक. जो फंड्स यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में आते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, टूरिज्म का 50 पैसा श्रीनगर में आया, 50 पैसा जम्मू में आया, 1 रुपया दिया, बड़ा अच्छा लगा. बजटिंग ऑन ग्राउंड, पहले 50 पैसे टूरिज्म के श्रीनगर में खर्च होते हैं कश्मीर में, फिर जम्मू के 50 में से 30 पैसे भी श्रीनगर चले जाते हैं, जो ना दिल्ली नोटिस करता है ना किसी और को फिगर है. तो क्यों कश्मीर वाली लीडरशिप अपनी कैश काउ को छोड़ेगी, जिनके फंड्स, अपने फंड्स खाने के बाद, क्योंकि जितना देखो पुराने राज्य क्या करते थे, एरिया क्यों एक्सपेंड करते थे, कि वहां से रेवेन्यू आएगा, है ना, इसलिए करते थे. अदरवाइज किसी को क्या जरूरत पड़ी किसी अपने राज्य को बड़ा करने की. बेसिकली ये था कि अपने टैक्स लगाते थे, रेवेन्यू लेते थे किसानों से, जमींदारों से. तो इनके तो, इनका तो राजसी खानदान है ना. अगर कश्मीर को जम्मू से अलग किया जाता है तो उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आ जाकर वो 18% 15% ज्योग्राफी रह जाती है स्टेट की. और उसमें भी अगर आप कृष्णगंगा वैली को अलग कर दो, जो कि एक्चुअली अलग है बट पहाड़ी है, रिमोट है, एक रोड जाती है टोटल, 2 रोड्स, तो जो मेन तो उनके पास 10% नहीं बचा ज्योग्राफी, उससे आगे क्या कमाएंगे, कैसे इनके बच्चे और कैसे लंदन में फ्लैट्स बनेंगे. तो उनको जम्मू चाहिए. पर आप जम्मू वालों के नजरिए से देखो तो जिस दिन मैंने कहा ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया उसी दिन वो ऑप्शन बंद हो गई. इससे पहले गवर्नमेंट चाहती तो कुछ भी कर सकती थी. आप बताओ कैसे करेगी, आप फिर असेंबली तोड़ोगे, फिर आप गवर्नर रूल लगाओगे, फिर तो तब दुनिया नहीं बोलेगी. अब टूटा हुआ था ना सब कुछ, अंजर पंजर बिखरा हुआ था, जम्मू में प्रॉब्लम हो रही थी, तो आप अनाउंस कर सकते थे भाई कश्मीर को हम अलग कर रहे हैं, उनके इलेक्शन करवा रहे हैं, चल जम्मू में टेररिज्म फैल रहा है, जम्मू की और प्रॉब्लम भी, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम, जहाँ इंडस्ट्री नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और ये और बड़े इश्यूज हैं. देखिए आपने यहाँ पहाड़ी रिजर्वेशन दी शेड्यूल ट्राइब के कैटेगरी में, मेरा भी गांव उसी में आता है तो मैं भी अफेक्टेड हूँ. और वही पहाड़ जब आगे को जाता है डोडा किश्तवाड़ पीरमजाल, वहां के लोगों को नहीं दी. तो ये हाफ हार्टेड सारे सारे जो जो हो गए ना, गलतियां होगी, जब फीडबैक आपको मिल रही है वापस कि जा तो किसी को मत दो, नहीं तो फिर सारे पहाड़ियों को दो ना, सबकी जिंदगी उतनी दुर्गम है वो, उनकी हमारे चाहे वो डोडा किश्तवाड़ के रिमोट एरियाज है, चाहे पुंछ के, ना वहाँ सड़कें हैं, ना वहाँ पे फैसिलिटीज है, ना ढंग के स्कूल कॉलेज है, वो प्रॉब्लम सेम है. फिर आपने कैसे उठाया 2 डिस्ट्रिक्ट और बोला ओके, जबकि हमें देना चाहते हैं अगर आप हमारे डिस्ट्रिक्ट को, क्योंकि हम रिफ्यूजीज हैं और हमारी 24 सीट्स आपने फ्रीज करके रखी हैं, पॉपुलेशन इधर है और सीट्स फ्रीज कर रखी हैं, तो आप उसमें से अगर 4 या 5 सीट्स खोल देते और रिफ्यूजीज को दे देते अपने रिजर्व सीट्स, हम अपने कैंडिडेट खड़ा करके इलेक्शन लड़ते तो शायद हमारा ज्यादा भला होता, क्योंकि रिजर्वेशन में था. और उल्टा आपने जनरल कैटेगरी के जो बाकी हैं उनको भी नाराज कर दिया. सी आपने रिजर्वेशन 10% बढ़ा के और कर दी, 60% सीटें खा गए आप, तो जनरल कैटेगरी और नाराज होगी. तो पता नहीं किसकी फीडबैक पे, इसका मैं बताता हूँ ना, मैं आपको ओरिजिनल बताता हूँ कहानी क्या है, कि यहाँ के जो 2 MP हैं जम्मू के, वो अगर यहाँ म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन लड़े तो नहीं जीत सकते, इनको बुरी लगेगी बात. इस वीडियो के नीचे कमेंट्स भी बड़े अच्छे अच्छे आएंगे मेरे खिलाफ, तेरे लिए खिलाफ आदि, सच ये है. लेकिन मोदी जी के नाम पे क्योंकि इलेक्शन जीतते हैं, कहते हैं ना खंबा भी खड़ा कर दो तो इलेक्शन जीत जाएगा, तो उनको तीसरी बार MP बनाया गया. आपने उनकी परफॉर्मेंस चेक की, उन्होंने क्या किया स्टेट के लिए, किसने आगे पूछा? और फिर जो वही जो दूसरी पार्टी के जो निकले हुए, कल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था, आज वो BJP में आया तो उसको सीट दे दी, टिकट दे दी. तो वही अपॉर्चुनिटिज्म जो हम कश्मीरियों को ब्लेम करते थे, यहाँ वो वैसा ही दिख रहा है. आदि थोड़ा सा बड़ी डिसमल सी वो है, यहाँ के लोगों को ये समझ नहीं आ रही जम्मू में कि हम वोट किसको दें. अगर वो किसी दूसरी पार्टी को देते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस कम्बाइंड या PDP, तो आप नेचुरली एंटी नेशनल्स को वोट दे रहे हो, उसमें कोई डाउट नहीं है. और अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हो तो फिर आप बोलते हो किस लिए दें. और मैं उनसे एग्री करता हूँ, देना हमने उन्हें मजबूरी में, मैं भी दूंगा. मैं ये बातें डिस्कस शायद नहीं करनी चाहिए पॉलिटिक्स की, लेकिन हमारी इट्स इन द फेस, राइटिंग ऑन द वॉल, क्या करें. आप बताओ, आपने स्ट्रक्चरल चेंजेस करने चाहिए थे इलेक्शन करने से पहले, दैट इज द ओनली थिंग. और स्ट्रक्चरल चेंजेस बड़े सामने दिखते हैं, क्या आपको माइनॉरिटीज का इशू था, रोशनी एक्ट का इशू था,
जो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स और जिनके करोड़ों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बंगले बना के बैठे हैं यार, हम लोग भी उसी कैटेगरी के आते हैं, सरकारी क्वार्टर में रहते हैं, एक प्रॉपर्टी नहीं है जम्मू में, बन ही नहीं सकती। यू कांट अफोर्ड टू हैव मोर देन 3 BHK हाउस इफ यू गवर्नमेंट सर्वेंट। आपको सरकार से कभी इतना पैसा मिलता नहीं कि आपके पास 3 BHK अगर उसके ऊपर आप खरीद सको। यहाँ लोगों की दो दो तीन तीन कनाल में मैंशंस बने हुए हैं यार, तो किसी को नजर नहीं आते, किसी को नजर नहीं आते। यहाँ पटवारी और SHO के घर इतने बड़े हैं आधे कि यू विल बी अशेम्ड, यू मे बी GM ऑफ व्हाटएवर। यहाँ तो इन्फ्लेट भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये जो लोग हैं इनका अपना भी तो कुछ ना कुछ एक नजरिया होगा ना, बिकॉज ये लोग भी तो अब देर ऑन द लाइन ऑफ फायर। इतना तुमने जो क्या नाम है इन्वेस्टमेंट करी है, सब कुछ करा है, वो तो पूरा डब्बे में जाएगा अगर तुम यू नो ये जगह वापस वही उन्हीं लोगों के पास जाएगी। रियल एस्टेट जिनके पास है वो प्राइसेस पूरी नीचे गिरेंगी। तो ये जितने पटवारी हैं, जितने ये यू नो पॉलिटिकल लोग हैं वहां पर, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है इस चक्कर में सर? नहीं नहीं गिरी आदि, ये मजे की बात है, जब टेररिज्म पीक पे भी था तो J&K में प्रॉपर्टीज नीचे नहीं गिरी, उल्टा जम्मू में एस्केलेशन होगी। आई गिव यू रीजन, जम्मू की प्रॉपर्टी रेट्स, कैन यू बीट इट? आई कांट कंपेयर इट टू मुंबई, ऑफकोर्स नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं। ये चंडीगढ़ अ बेटर प्लेस और जम्मू अ बिगर प्लेस? सो चंडीगढ़ इज अ बेटर प्लेस, बेटर लोकेटेड, इज मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द कंट्री, वेल प्लान्ड। चंडीगढ़, जीरकपुर, मोहाली में आज आपको 3 BHK का पेंट हाउस 85 लाख का मिलता है, ठीक है, पेंट हाउस विद स्विमिंग पूल टेरेस पे। जम्मू में 2 BHK 1 करोड़ से नीचे नहीं मिलता, 3 BHK इज 150, इस अनरेगुलेटेड मार्केट हेयर। क्यों? जैसे रजौरी में प्रॉब्लम पड़ी, पुंछ में रजौरी पड़ी, भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा में हिंदुओं को बस से उतार के मारना शुरू किया, तो लोगों ने अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए एवरीबडी कन्वर्ज ऑन टू जम्मू। तो जम्मू इज अ स्मॉल सिटी, इधर भी फौज, उधर पहाड़ी, इधर दरिया, आगे नीचे की तरफ पाकिस्तान, तो उसके अंदर लैंड रेट्स एकदम बढ़ गए, हमारी प्रॉपर्टी रेट्स आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर गए। सिमिलरली कश्मीर में दोज हु वांटेड सेफ्टी ऑफ द सिटी, दे कन्वर्ज ऑन टू श्रीनगर, इफ नहीं तो बारामूला। तो इन लोगों की प्रॉपर्टीज ऐसी ही जगह हैं, इनको ये सब सूट करता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अफसोस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सोच के कि आपने जो इतनी इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने की, पहले तो फ्री में खिलाते रहे, सेपरेटिस्ट को भी देते रहे, इस गवर्नमेंट ने इतना पैसा लगाया, 370 हटाया, इतना कुछ ऑफर किया, इनको कैसा लगेगा कि आपको इलेक्शन कराने के जोश जुनून में वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट, जैसे कहते हैं अफगानिस्तान के जब डूबा, लोग कह रहे हैं अमेरिकन कहता है इंडिया की 4 बिलियन इन्वेस्टमेंट, कहा नहीं, तब हमने कहा था इंडिया की इन्वेस्टमेंट बेकार नहीं जाएगी अफगानिस्तान में। यहां पे मुझे डाउट है, यहां मुझे डाउट है, आखिर टेररिज्म को नहीं बढ़ावा दे सकते यार, इज एज सिंपल सर। बट व्हाट डू यू थिंक, अभी अब जहां पर जिस सिचुएशन पे हम लोग हैं, जहां पर हम लोग खड़े हुए हैं इस टाइम पे ना, हाउ डू यू, मैं आपसे पूछूं सर, ठीक है जो भी है गलती हुई है, आप बताओ व्हाट शुड वी डू, व्हाट आई हैव रिकमेंड? नथिंग, आप मुझे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले पूछते तो मैं आपको 10 चीजें बोलता, अभी कुछ भी नहीं, अब वेट एंड वॉच। बट ये जो वहां पर पॉलिटिकल, ये जो पूरा ये जो गुटपंथी बननी शुरू हुई है इस तरफ, जहां पर हम देख रहे हैं कि साहब ये काफी हद तक एक ना एक यू नो दे ट्राइंग टू काइंड ऑफ पुट टुगेदर कि भाई हम ये हैं, हम वो हैं, हमारे साथ ऐसी चीज हुई है, हमारे साथ ऐसी चीज हुई है, तो काफी एक एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है उस तरफ से। बट ये जो गुटपंथी जो है, डू यू थिंक दिस इज अ लॉन्ग लास्टिंग अफेयर? क्योंकि इनके पुराने जो इनकी जो हिस्ट्री है ये तो सब भूल गए हैं लोग, इनकी हिस्ट्री बड़ी खराब है। देखो होगा क्या आदि, जा तो हंग असेंबली आएगी, और जो गुटपंथी जी की बात कर रहे हो, क्या होगा वर्स के, टूट जाएगी ना 6 महीने में 1 साल के बाद। तो सफर किसने किया? वही है लोगों का सफर है सर, वही ना, जब ये फिर दोबारा इलेक्शन कराओगे या फिर प्रेसिडेंट रूल लेके आओगे फिर क्या कर लोगे, अब बताओ फिर क्या बहाना करोगे? तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जो यहाँ पे जो लोग आते हैं, यहाँ बात भी करते हैं, यहाँ सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की टीम आई थी, फीडबैक ये है कि जिन जिन ने हम लोगों से इंटरेक्ट किया, दो सब ना के बाहर ये बोला कि भैया ये माइंड बना के आए कि इलेक्शन होने ही होने हैं, जबकि यहाँ पे 50 बंदे 1 महीने में मारे गए थे फौजी, नॉट 1 मंथ 1 ईयर, और उसका एक पिछला महीना बहुत ज्यादा वायलेंट रहा था डोडा में और इधर से।
अब आप बताओ क्या कह सकते हैं। आई मीन इस इट बीट्स अ लॉजिक, बट मैं हमेशा कहता हूँ गवर्नमेंट के पास बड़ी ज़्यादा इनपुट होती है, गवर्नमेंट को सब पता होता है, मैं उनको अभी भी ये ग्रांट करता हूँ। बट अगर एज ए ले मैन मुझे पूछो तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट डजेंट केयर कि 6 सीट्स हैं, 2 तो जम्मू वाली आ ही जानी है, लद्दाख वाली भी शायद एक आधी आ जाए, तो बाकी देखी जाएगी। ये अदरवाइज जो सेंस आपको ग्राउंड पे कुछ दिखता है कि बीजेपी की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नया नजरिया, अमित शाह साहब वहां पर थे, राम माधव जी हैं वहां पर, हार्ड कोर आरएसएस, चाहे आरएसएस ने खुद ने बोला है कि भाई हम ग्राउंड पे काम करेंगे। हाउ डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू गो फॉरवर्ड सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ बिफोर वी काइंड ऑफ एंड द शो। यहाँ की आरएसएस इज लेड बाय पीपल फ्रॉम कश्मीर, डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडित। काफी सारी फोरम में काफी सारे लोग आपको बताएंगे कि जब लोगों ने आरएसएस के यहाँ बैठ के बोला कि ये प्रॉब्लम है, तो लोगों आरएसएस का जो बॉस उनको कहता है जम्मू जम्मू करना बंद करो। तो जब जम्मू वाले कोई डिमांड करते हैं तो बोला जाता है कि जम्मू जम्मू बंद करो, तो फिर क्या बचा? कश्मीर। आज आकर कश्मीर बचता है, तो ग्राउंड पे देखो फिर उसका रिजल्ट अभी दिखेगा। इट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट पोजिशन सिचुएशन कि आपने इतना इन्वेस्टमेंट लगाया, इतना बड़ा रिस्क लिया, 370 हटाया, किसके लिए? इसलिए लाया था ना कि चेंज हो, वो चेंज तो हुआ ही नहीं आदि। हाँ, 4-5 साल आपने टेररिज्म को दबा के रखा, उसके बाद बैक टू स्क्वायर वन। तो हमें रोना उस बात का है। थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला एंड स्पेशली टू आपने टाइम निकाला बिकॉज मेरा जहाँ पर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वहाँ पर थोड़ा नेटवर्क भी ख़राब था, बट यू स्टिल टेकन आउट टाइम एंड ऑफ द ग्रिड आपने मेरे को टाइम दिया टू टू एक्सप्लेन दिस टू मी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके बारे में मेरे को बात करनी थी एंड आई एम ग्रेटफुल दैट आपने थोड़ा अच्छे से समझाया है इसको, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन विच इज़ गोइंग अराउंड इन द मार्केट एंड उसके बारे में हमको थोड़ा सा क्लियरली पता होना चाहिए। सर एज़ यूजुअल इट इज़ ऑसम एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू, आपसे सीखने को बहुत अच्छा लगता है एंड आई एम ट्रैवलिंग दिस वीक बट नेक्स्ट वीक आपके साथ बैक टू बेस एंड वी शैल बी बैक विथ अ प्रॉपर सेटअप एंड ऑफकोर्स हमारा जो लाइव शो मंडे का होता है वो ज़रूर करेंगे। इसी बात पे सर थैंक यू सो मच एंड जय हिंद जय भारत।